11:30 बज चुकी है और हम लोगों ने खाना खा लिया है। बस अब हम लोग जा रहे हैं ऐसे रूम पे, क्योंकि ललित भाई का अभी केक भी कटवाना है, तो चलते हैं जल्दी जल्दी रूम पे वरना फिर नेक्स्ट डे हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी बज रहे सुबह के 11 और अभी ना सडन प्लान बना है दिल्ली जाने का, क्योंकि मोहित को वहाँ पे दिल्ली में कुछ काम है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो अभी मैं, मोहित और मोहित का फ्रेंड दीपक, जिसको मैंने फ़ोन दिया था कल ठीक करने को, तो वो भी दिल्ली जा रहा है। तो अभी हम तीनों जा रहे हैं दिल्ली, तो जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं दिल्ली के लिए। तो 12:30 बज चुकी है और मैं रेडी हो चुका हूँ। मोहित और गाड़ी लेने गए थे, मोहित और गाड़ी लेके आ चुके हैं। बस अब चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वो लोग वेट कर रहे हैं। एक छोटा सा बैग है मेरा, क्योंकि आज के लिए ही जाना है, कल सुबह वापस आ जाएंगे हम लोग। तो चलते हैं, चलो चलो जल्दी जल्दी, सवारी रुकनी नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, किराया कितना भैया? भैया बस कोई नहीं, बदले में आपका आईफोन ले लेंगे। नहीं, वो महंगा है भैया। नहीं, सस्ता किराया है। आप नोकिया का फोन हमारा ठीक कर दीजिए भैया। तो 2:30 बज चुकी है और हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं, और अभी हम लोगों ने ऑर्डर करी है यहाँ पे वेज बिरयानी। आप बताओ, आप तो खाते हो यहाँ पे आके? स्ट्रीट फूड है, काफी फेमस है, एकदम गजब। तो बिरयानी खा लिया हम लोगों ने और बहुत मस्त बिरयानी थी, मज़ा आ गया। बस अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से करोल बाग में, क्योंकि दीपक भाई को वहाँ से एक लेनी है स्मार्ट वॉच। तो पहले जा रहे हैं करोल बाग, जहाँ बैठे नकली बंदे हम वहाँ नहीं जाते। तो करोल बाग पहुँच चुके हैं हम लोग और दीपक भाई गया है अभी वॉच लेने के लिए, और उन्होंने कहा है कि आप थोड़ा आगे चले जाओ और फिर वो पीछे पीछे आ जाएंगे पाँच एक मिनट तक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, वैसे जाम ही इतना है तो गाड़ी तो यहाँ पे कहीं पार्क कर नहीं सकते, तो धीरे धीरे चल रहे हैं। इतना में दीपक भाई भी आ जाएगा, थोड़ा आगे जाएंगे हम तब तक। तो करोल बाग आए हुए थे, तो हम लोग यहाँ पे अब सीट कवर और GPS ट्रैकर भी देख लेते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है। अब तक सीट कवर अब तक नहीं चढ़वाए थे, तो वो एक बार बात कर रहे हैं, देख लेते हैं क्या प्राइसिंग है। और दूसरी चीज़, GPS ट्रैकर चाहिए था, तो वो भी यहाँ पे शायद मिल जाएगा, तो वो भी पता कर रहे हैं एक बार। कॉस्टिंग बढ़ जाती है बस, वो आपका नॉर्मल जो 4,000 है वो आएगा आपका 6,500 का, 6 मान लो, 6,000 का वो आएगा। और उसमें आपको 3 साल कोई बिल नहीं है। मैटिंग तो नहीं करवाएंगे मेरी मान से बताऊँ, क्योंकि एक दिन फ्री हो गया, पूरी गाड़ी में मैटिंग करवा सबसे पहला काम, मैट पूरी गाड़ी में लगवाए नहीं होंगे अभी, नहीं लगवा, मैट लगवा सबसे पहला काम हुआ। और उसके बाद फिर लगवा अपना वो 70 मैट था, कौन सा था वो, उसमें टाइम लगेगा लेकिन वो लगवा। विच वन भाई? मेरे को तो वो लग रही है अच्छी, अच्छी लग रही है, क्योंकि थोड़ी मैचिंग हो जाएगी अंदर से इंटीरियर से भी, ये अलग लगेगी थोड़ी। चलो ठीक है, वो अच्छी लगेगी थोड़ी, रेड भी हो गया उसमें थोड़ा कलर, सॉफ्टनेस उसमें कम लग रहा है। नहीं, सॉफ्ट अपने आप हो जाएगी, वो तो खड़ी होती है ना अभी, तो थोड़ा बैठेगा यूज करेगा तो अपने आप सॉफ्टनेस आ जाएगी। तो सीट कवर हम लोगों ने फाइनल कर लिया है, बस अब लगवाएंगे हम इसको सैटरडे को, क्योंकि आज हमारे पास इतना टाइम है नहीं, यहाँ पे टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो बाद में लगवा लेंगे। अब जो सैटरडे आएगा उस वीकेंड पे हमें फिर आना ही है दिल्ली, तो फिर तब लगवा लेंगे अब उसको। तो अब चलते हैं गुड़गांव यहाँ से। तो गुड़गांव पहुँच चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे सूरज रहता है, तो हम लोग सूरज से मिलने आए हुए हैं। कैसे हो यहाँ पे? अच्छा, आपके साथ और भी कोई है? हाँ, ये क्या है, ये नाम के। तो 5:30 बज चुकी है और हम लोग आ चुके हैं सूरज के रूम पे। अब हम लोग आए थे, मोहित को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना था, तो उस चीज़ के लिए हम लोग आए थे। और वैसे भी ना आज संडे है, तो मेनली जो है ऑफिस वो सारे बंद होते हैं। और दूसरी बात, 5:30 बज चुकी है, जो ऑफिस होते हैं वो 5 बजे तक खुले रहते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं साइबर हब में, मैं आज तक साइबर हब में नहीं गया, तो ये लोग मेरे को लेके जाएंगे थोड़ी देर में। अभी ये लोग रेडी हो रहे हैं, सूरज भाई नहा रहा है, मोहित बैठा हुआ है अपना आराम से, मोहित अपना गेम खेल रहा है, और फिर निकलते हैं थोड़ी देर में। तो 7:30 बज चुकी है और फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। अब हमारे साथ बबीता जी आए हैं, एक दीपक भाई, दीपक तो गाड़ी चला, मोहित और सूरज बाहर खड़ा हुआ है, और बबीता का भाई भी आ रहा है, और बबीता दी के भाई भी आ रहे हैं, क्योंकि उनका आज बर्थडे है, तो वो हमें पार्टी दे रहे हैं आज। ए, सूरज भाई ले आया ललित भाई को, कैसे हो भाई? हैप्पी बर्थडे ललित भाई, देखो आपका हर बर्थडे का स्वागत है। ए, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू भाई, एडवांस आने वाला है। चलो,
तो हम लोग साइबर हब में पहुंच चुके हैं। दीपक भाई गाड़ी पार्क कर रहा है, पहले कुछ खा लेंगे क्योंकि भूख लग रही है बहुत जोर की। तो अभी हम लोग आए हुए हैं साइबर हब में, यहाँ पे सागर रत्ना ढाबा है, यहाँ पे हम खाना खाने आए हुए हैं। इससे पहले हम लोग गए थे किसी दूसरे ढाबे में जिसका नाम था ढाबा, वहाँ पे हम लोगों ने रोटी देखी है 100 रुपए की एक रोटी। मैंने कहा भाई पहले ही बाहर हो जाओ, उन्होंने पहले टेबल बुक करी हमारी ऑनलाइन। दो अंदर गए, मेन्यू देखा, 100 रुपए की एक रोटी। मैंने कहा छोड़ दो नहीं खाएंगे। मोहित कह था कि कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, इससे उनको बुरा नहीं लगेगा। मैंने क्या खुद बताओ, समझदारी वाली बात ये रहेगी कि आप 100 रुपए की एक रोटी खाओ या पैसे बचाओ। बताओ सिंगापुरी नूडल्स, ये पहली चीज है जो आगे रखी हमारी आ गई। 11:30 बज चुकी है और हम लोगों ने खाना खा लिया है, बस अब हम लोग जा रहे हैं ऐसे रूम पे क्योंकि ललित भाई का अभी केक भी कटवाना है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी रूम पे, वरना फिर नेक्स्ट डे हो जाएगा तो बर्थडे खत्म कल है। अभी तो रात को गया, अभी केक मंगवा, रात को बर्थडे। 25,000 का डालना भैया, देख लो, एक एक बूंद भी कम नहीं होनी चाहिए। हाँ गाड़ी के अंदर भर देना जितना, बाकी जो बच जाएगा ना वो डिक्की में डाल देना, फिर वो दिक्कत नहीं होगी ना, बार बार दिक्कत हो जाती है पेट्रोल भरवाने में। पिक्चर है, वो रख लो, वो करवा के कुंडी पीछे एक ट्राली बांध लो, डीजल वाली है पेट्रोल वाली, उल्टी साइड रास्ता तो इधर जा रहा है, जंगल में थोड़ी है। अरे बड़े भाई चॉकलेट है, रहने दे मैं ले लेता हूँ भाई, चॉकलेट है, चॉकलेट है, रहने दे मैं ले लेता भाई। आराम से प्यार से खोल कवर, तो बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, बस इस ब्लॉग को करते यहीं पे एंड। मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।